Hello dear, welcome to Project Learning. In today's class, we will discuss about switches, which we use in our daily life. हमारे घरों में switches लगे होते हैं, तो आज हम switches के बारे में explain करेंगे और इसके industrial application भी देखेंगे और हम इसके साथ ही इसका practical application भी देखेंगे अपने tech buddy के साथ. So let's start today's session. Switch होते क्या है? स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट के फ्लो को स्टॉप कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं. यानी किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को कंटिन्यू रखना है या ब्रेक करना है, यह किसी स्विच पे डिपेंड करता है. अब स्विच को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, अ स्विच, स्विच so we can define it, switch is an on off device for current in a circuit or appliance. And switch is always connected with live wire. It is always connected with live wire. What is the reason? Why we connect it with live wire? Let's try to understand कि हम आखिर इसको लाइव वायर के साथ ही क्यों कनेक्ट करते हैं. तो हमने एक ये कोई अप्लायंस ले लिया, सपोज ये हमारे पास कोई डिवाइस है, ठीक, और यहां पे हमने कोई स्विच लगा दिया है, ये कोई स्विच लगा दिया है हमने, और यहां से हम फेज दे रहे हैं, लाइव वायर है, लाइव सप्लाई है और ये न्यूट्रल सप्लाई है, ठीक. इसमें हमने लाइव वायर के साथ स्विच को कनेक्ट किया है. एक दूसरा केस हम लेते हैं, इसमें हम न्यूट्रल वायर के साथ स्विच को कनेक्ट करेंगे. न्यूट्रल वायर के साथ हमने स्विच को कनेक्ट किया है, ठीक है. अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. जब यहां पे स्विच ऑफ है तो हम डिवाइस पर कोई भी काम कर सकते हैं. यानी अगर डिवाइस आपकी करप्ट हो गई है, खराब हो गई है, तो इस डिवाइस में हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं, ठीक, और हमें कोई शॉक नहीं लगेगा. इस केस में क्या है कि भले ही ये ऑफ है, भले ही स्विच ऑफ है, लेकिन लाइव से हमारा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है. यानी यहां पे सप्लाई आ रही है, यहां पे सप्लाई आ रही है. उस केस में अगर हम इस इक्विपमेंट को टच करेंगे, मे बी पॉसिबल कि आपको शॉक लगे, है ना, आपको शॉक लग सकता है 220 वोल्ट का, जो कि आपके लिए बहुत इंजूरियस हो सकता है. इसलिए हमेशा ही हम स्विच को लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं. तो ये सही तरीका है स्विच को कनेक्ट करने का, एंड दिस इज द रॉन्ग वे टू कनेक्ट ए स्विच विद एनी डिवाइस. इसीलिए हमें जब भी लाइव वायर में कनेक्ट करना होगा तभी हम, इसीलिए हमें हमेशा स्विच को लाइव वायर के साथ कनेक्ट करना चाहिए. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्विच एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कनेक्ट स्विच विद लाइव वायर. अब अगर बात करें कि कितने टाइप के स्विचेस होते हैं, तो स्विचेस बहुत सारे टाइप के होते हैं. तमाम डिजाइन आपको मिल जाएंगी मार्केट में स्विचेस की. हम इनको कैटेगराइज दो सेक्शन में कर सकते हैं, राइट. हम स्विचेस को दो सेक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला है सिंगल पोल स्विच, और दूसरा है डबल पोल स्विच. अब सिंगल पोल स्विच के भी दो टाइप आते हैं,
इसको भी हम फर्दर दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। एक सिंगल पोल, सिंगल थ्रो, या इसको हम SPST बोलते हैं, ठीक। और दूसरा सिंगल पोल डबल थ्रो, वी कैन कॉल इट SPDT, राइट। इसको भी दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डबल पोल सिंगल थ्रो, और डबल पोल डबल थ्रो। इसको बोलेंगे DPST और इसको बोलेंगे DPDT। इन्हीं नामों से ज़्यादा फेमस होता है। जब भी आप मार्केट में स्विच खरीदने जाओगे तो वो आपको DPDT या SPDT इन्हीं नामों से ज़्यादातर वो इसको बोलते हैं, स्विच को बोलते हैं, राइट। तो ये इनकी कैटेगरी है। अब डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले इनके टाइप्स के बारे में, सिंगल पोल स्विच के टाइप के बारे में। जो सिंगल पोल स्विच होता है, पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल पोल स्विच के बारे में, उसके बाद डबल पोल स्विच के बारे में। तो सिंगल पोल स्विच में जो पहला टाइप है वो है सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ये स्विच हम और आप डेली अपनी लाइफ में देखते हैं। ये जो हमारे घरों में स्विचेस होते हैं जिससे हम फैन को ऑन ऑफ करते हैं या लाइट को ऑन ऑफ करते हैं, वो स्विचेस सिंगल पोल सिंगल थ्रो टाइप के होते हैं। इनमें टू वेरिएबल होते हैं, ये इनमें जो है सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है, इनमें सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है, ठीक। टू टर्मिनल डिवाइस होते हैं ये। कैसे होते हैं? टू टर्मिनल डिवाइस। और एग्जांपल हमने आपको बताया कि दो स्विचेस विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ टू ऑन ऑफ, दोज आर नोन एज सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, राइट। इसमें इसका सर्किट भी अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का होता है। दिस इनपुट एंड आउटपुट, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। अब सिंगल पोल स्विच में ही जो दूसरा टाइप है ये है सिंगल पोल डबल थ्रो। राइट, ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है। ये जो होता है ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। राइट, इसमें हम वन इनपुट एंड टू आउटपुट दे सकते हैं, राइट। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं तो जो स्टेयर केस हम देखते हैं, हमने अपने घरों में देखा है कि हमें ऊपर छत पे जाना है, ठीक। स्टेयर केस, हम नीचे लाइट को ऑन करते हैं, फिर ऊपर गए, ऊपर से फिर से लाइट को ऑफ कर दिए, या ऊपर से नीचे आना है तो ऊपर लाइट को ऑन किए, नीचे जब उतर के आए तो उससे ऑफ कर दिए, तो वो स्टेयर केस वायरिंग होती है। तो जो स्टेयर केस वायरिंग होती है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसको भी समझते हैं हम थोड़ा, स्टेयर केस वायरिंग कैसे करते हैं, लेट्स सी। स्टेयर केस वायरिंग में एक स्विच हमारा ये है, इसको हमने नाम दे दिया स्विच वन,
और एक हमारा ये स्विच है, इसको हमने नाम दे दिया स्विच टू, राइट। अब इससे हमने लाइव वायर को कनेक्ट किया, मान लो यहां पे हमने कोई लोड कनेक्ट कर दिया, कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक, और ये लाइव वायर से कनेक्ट कर दिया, और इसको हमने न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया और इन दोनों को भी आपस में शॉर्ट कर दिया, ये यहां पे कनेक्टेड है, ठीक। ये अब मान लिया कि ये अप है और ये डाउन है, ठीक। ये स्टेयर के ऊपर चढ़ के हम जा रहे हैं, तो अप स्टेयर है और ये डाउन स्टेयर्स है, ठीक। मान लो कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कोई एक केस ले लेते हैं, हम मान लो नीचे खड़े हुए हैं अभी, ठीक, और अभी क्या है, सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट इनकम्प्लीट है, तो हमको ऑन करनी है लाइट और फिर ऊपर जाना है। तो लाइट ऑन करने के लिए हमने स्विच को ऑन किया, ये जो यहां पे था अभी ऑफ था, इसको हमने ऑन किया, राइट, तो इसको ऑन किया हमने, तो इसको ऑन करने के लिए इस तरफ हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये किस में हो गया, ऑन कंडीशन में, राइट। अब ये ऑन कंडीशन में हो गया, यानी बल्ब ग्लो करने लगा। देखते हैं, हम अपना सर्किट देखते हैं, ये लाइव वायर है, बल्ब कनेक्ट है और ये सर्किट कंप्लीट हो गया, न्यूट्रल से कनेक्टेड है, पावर लाइट इससे, लाइट से जुड़ा हुआ है बल्ब और ये न्यूट्रल से वापस पावर जा रही है, ठीक। तो ये अब कनेक्टेड है पूरा सर्किट। अब हम पहुंचे डाउन से अप स्टेयर पे, अभी तक हम डाउन स्टेयर पे थे, हमने पावर को, बल्ब को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, जैसे ही ऑन किया ये इस तरफ से इस तरफ चला गया और कनेक्ट हो गया, ठीक। कनेक्ट हो गया तो हम देख रहे हैं कि सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया और बल्ब जल गया, ग्लो करने लगा। अब हम ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचने के बाद अब हमने बल्ब को ऑफ किया, मतलब स्विच को हमने ऑफ किया, तो जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, राइट। ये जो कनेक्टेड था, अब ये वाला कनेक्शन इस तरफ हो गया, अर्लियर जो हमारा ये था, अभी तक ये था, ये वाला अब इस तरफ कनेक्ट हो गया, ठीक, ऑफ कंडीशन हो गई। अब ऑफ कंडीशन में देखते हैं हम, अब ये सर्किट हो गया, ठीक, तो यहां पे लाइव वायर गई, यहां से सर्किट ये आया और ये यहां पे कनेक्टेड है, यानी इनकम्प्लीट हो गया सर्किट। तो जब सर्किट इनकम्प्लीट हो गया तो अब बल्ब क्या हो गया, ऑफ हो गया, पावर नहीं पहुंच रही है वहां पे, ठीक। फिर से हमें नीचे जाना है, तो फिर से जब नीचे जाना, फिर से हम ऑन करेंगे और ऑन करने के लिए ये फिर से ऊपर गया, अब ये फिर से ऊपर गया, ये अब ग्लो करना चाहिए, तो हम देखते हैं कि फिर से सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, सर्किट फिर से कंप्लीट हो गया। फिर नीचे पहुंचे, नीचे पहुंचने पे अब हमें ऑफ करना है बल्ब को, हमने फिर से इसे ऑफ किया, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ठीक, नीचे आ गया। अब देखो नीचे जब ये आ गया तो सर्किट देखो यहां से यहां, यहां से यहां इनकम्प्लीट हो गया, यानी बल्ब क्या हो गया, ऑफ हो गया, ठीक। तो ये क्या है, स्टेयर केस वायरिंग। ये किस में होती है, किसके थ्रू हम करते हैं, जब हम स्विचेस को सिंगल पोल डबल थ्रो में रखते हैं उस कंडीशन में, ठीक। ये उसका एक एग्जांपल था। अब बात करेंगे हम डबल पोल स्विच की, डबल पोल स्विच। इसमें जो पहला टाइप है वो है डबल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल थ्रो। डबल पोल सिंगल थ्रो आपने देखा होगा, जो टू MCBs का कॉम्बिनेशन होता है, दो MCB एक साथ होती है ना, जो उनका कॉम्बिनेशन होता है टू MCBs का, वो सिंगल डबल पोल सिंगल थ्रो का बेस्ट एग्जांपल है।
इसमें टू इनपुट होते हैं और टू ही आउटपुट होते हैं, टू इनपुट एंड टू आउटपुट, बोथ कैन बी ऑपरेटेड एट द सेम टाइम, दोनों को ही हम एक साथ ऑन और ऑफ कर सकते हैं, बोथ कैन बी ऑन ऑफ एट द सेम टाइम। तो ये होता है डबल पोल सिंगल थ्रो, इसका एग्जाम्पल हमने कौन सा बताया, जो एमसीबी होती है डबल वाली एमसीबी, राइट, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, ये वाली एमसीबी, राइट। सेकेंड है डबल पोल डबल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, राइट। इसमें टू इनपुट होते हैं और वन आउटपुट होता है, टू इनपुट एंड वन आउटपुट, इसमें टू इनपुट और वन आउटपुट होते हैं। ये किसके लिए हम यूज करते हैं, चेंज ओवर करने के लिए, चेंज ओवर में यूज करते हैं, जिस सप्लाई से हम चाहें उससे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, सप्लाई चेंज ओवर में इसको यूज करते हैं। तो ये कुछ स्विचेस के टाइप हमने बताए और स्विचेस का क्या यूज हो सकता है वो उस पर हमने डिस्कस किया। अब इन स्विचेस को प्रैक्टिकली हम समझते हैं और देखते हैं, इसके लिए हमें चलना होगा अपने टेक बडी के पास। तो आइए आपको लेकर चलते हैं टेक बडी के पास।